ओम शांति। हम सभी ने बाप दादा से मुरलियों में एक सेंटेंस बहुत बार सुना, मिरुआ मौत मुलुक का शिकार। और दूसरे शब्दों में बाबा ने ये भी कहा, बच्चे ऐसा भी वक्त आएगा कि एक तरफ विनाश के नगाड़े बजेंगे और दूसरी तरफ हम बच्चे सतयुग के नज़ारे देखेंगे। अब वही समय चल रहा है। एक तरफ तो विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, विश्व युद्ध अग्नि के रूप में दिखाई दे रहा है। अनगिनत मिसाइल्स हर रोज हम टीवी स्क्रीन के ऊपर गिरती हुई देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वो वक्त आ गया जिसका बाबा ने वर्णन किया, विनाश का नगारा। और वहीं दूसरी तरफ परमात्म प्रत्यक्षता का नज़ारा भी हम सभी के सामने है। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से सब तरफ मनाया जा रहा है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की हर बात संपूर्ण रूप से सत्य है। अब एक बात हमें और सत्य करनी है, जो बाबा ने कही है कि जब चारों तरफ विनाश के नगाड़े बजेंगे तब मेरे बच्चों के मुख पर बाबा की प्रत्यक्षता का वाह वाह का नजारा होगा, अर्थात हम बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट, हम बच्चों के चेहरे की रूहानियत, हम बच्चों के चेहरे की अलौकिकता और हम बच्चों के चेहरे की निश्चिंत स्थिति देख करके सारे संसार की आत्माएं ये शब्द कहने लगें कि ये भगवान की रचना है। इतनी महान आत्माएं कोई मनुष्य नहीं बना सकता, इतना श्रेष्ठ जीवन किसी मनुष्य की रचना नहीं हो सकती। इसलिए अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे को देख करके सब कहें कि ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। साक्षात शब्द जब लोगों के मुख से निकलेगा तभी सबको हमसे साक्षात्कार होगा और लोग कहेंगे कि वह वो इष्ट देव जिनकी हम बहुत लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, वो हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारी भक्ति सफल हो गई। और उस बात को सुन करके देख करके हम अपने भक्तों को दुख दर्द और कष्ट से मुक्त करके मुक्ति धाम ले जाने की तैयारी करें। ओम शांति।